कानपुर हिंसा में आज जांच तेज हुई। पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम ने हिंसा की जगह दीवारों पर पत्थरों के निशान और तस्वीरें जुटाई, सफाई कर्मचारियों से पूछताछ भी की। कानपुर हिंसा के बाद भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश, समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ कंटेंट का दावा। आरोप है ग्रुप में हिंदू विरोधी एजेंडे से जुड़े हैं एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी। कानपुर हिंसा में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। हर्षित पर भड़काऊ और विवादित पोस्ट करने का आरोप है। कानपुर हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा विवाद में, आतंकी संगठन अलकायदा की धमकी, दिल्ली, यूपी, मुंबई और गुजरात में आतंकी हमले करने की चेतावनी दी। अलकायदा ने कहा, पैगंबर मोहम्मद को अपमानित करने वालों से बदला लेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर अंतिम अरदास का आयोजन हुआ। गांव मूसा में लोग अरदास के लिए पहुंचे। 29 मई को गोली मारकर हुई थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराने का आदेश देने वाले वाराणसी के सिविल जज रवि दिवाकर को इस्लामी आगाज मूवमेंट ने भेजी धमकी भरी चिट्ठी, जज की सुरक्षा बढ़ाई गई। ज्ञानवापी में शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए अनशन कर रहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपना आंदोलन खत्म किया। अभिमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ी थी, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने उन्हें अनशन खत्म करने को कहा था। कश्मीर में आतंकियों की टारगेट किलिंग साजिश में बड़ा खुलासा। कश्मीर की जेलों में बंद कुछ आतंकी चला रहे हैं पूरा प्लान। जेल से ही दिए जा रहे हैं टारगेट किलिंग के आदेश। गृह मंत्रालय की बैठक के बाद फैसला, कश्मीर की जेल से कुछ आतंकी कैदियों को ट्रांसफर किया जाएगा। खीर भवानी मंदिर में आज से मेले का आयोजन शुरू। खीर भवानी मंदिर में पूजा के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। कश्मीरी पंडितों की आराध्य कुलदेवी मानी जाती है खीर भवानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिली। पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में कोर्ट ने आरोपों को खारिज किया। अंशु प्रकाश ने तब केजरीवाल के अलावा सिसोदिया और आपके विधायकों पर भी मारपीट के आरोप लगाए थे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ मुंबई की बोरीवली कोर्ट में चार्जशीट दायर। आईपीसी की धारा 353 और 34 के तहत दर्ज किए गए हैं मामले। लोक सेवक पद पर रहते हुए कर्तव्य नहीं निभाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चेन्नई में नाले की खुदाई के दौरान हुआ बड़ा हादसा, एक कार गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में कार उल्टी खड़ी हुई तो वीडियो हो गया वायरल, कार सवार सुरक्षित है। महंगाई और बढ़ेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में इजाफा किया। होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगे हो सकते हैं, ईएमआई भी ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने संन्यास लिया। 39 साल की है मिताली, 2022 के विश्व कप में आखिरी बार कप्तानी की थी। बोली, अब फोकस दूसरी इनिंग पर है। पूर्णिया सिटी जानी ना। पूर्णिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। सिटी
बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।